24 न्यूज, आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उसराहार में अतिक्रमण के कारण सड़क पर लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को छुटकारा दिलाने के प्रयास में पुलिस जुट गई है। सोमवार को थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम के नेतृत्व में उसराहार पुलिस ने कस्बा सहित आसपास बाजार में अभियान चलाकर दुकानदारों को शीघ्र अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से सड़क पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों में हड़कंप मचा है। शासन के निर्देश पर अवैध रूप से संचालित बस स्टैंड हटाने, जाम की समस्या से निजात दिलाने व ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसराहार कस्बा में थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम ने कहा, अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी। चेताया कि अतिक्रमण के कारण जाम लगने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद वाहन स्टैंड पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और वाहन चालकों को बेहतरीन ढंग से वाहन खड़ा करने पर सीज करने की चेतावनी दी। पुलिस की इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में खलबली मची हुई है। संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि सर्किल के सभी थाना प्रभारियों को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अतिक्रमण के दौरान पूरा उसराहार पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। उसराहार से गौरव शाकी की रिपोर्ट। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज।